स्तर के विद्यार्थियों के लिए स्वरचित कविता पाठ प्रतियोगिता का आयोजन होगा। प्रशासन के सभी कार्यालयों में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाएगा। राजस्थान हिंदी अकादमी की धन्यवाद रीता। अंडमान निकोबार प्रशासन ने उन प्राथमिक स्कूल शिक्षकों को बीएड करने की अनुमति प्रदान कर दी है जो शैक्षिक पात्रता रखते हैं। प्रशासन के स्कूलों में अनेक ऐसे शिक्षक हैं जो योग्यता की दृष्टि से उच्च शिक्षा प्राप्त करते हुए भी शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा नहीं कर पाए हैं। अंडमान निकोबार टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष वाई संजीवन ने बताया कि प्रशासन से अनुमति मिल जाने के बाद ऐसे शिक्षक बीएड पाठ्यक्रम की योग्यता प्राप्त कर सकेंगे। एसोसिएशन ने अपनी बैठक में प्रस्ताव पारित कर प्रशासन के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। पोर्ट ब्लेयर के शिक्षा सदन में कल दक्षिण अंडमान जिले के स्कूली बच्चों के लिए लोक नृत्य और लघु नाटिका प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में मौजूदा परिस्थितियों में परिप्रेक्ष्य में सकारात्मक दृष्टिकोण को मजबूती प्रदान करना था। कार्यक्रम के आरंभ में जनसंख्या तथा किशोरावस्था शिक्षा प्रकोष्ठ की समन्वयकर्ता डॉक्टर श्रीमती सुमन देवी ने अपने स्वागत संबोधन में कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। सहायक शिक्षा निदेशक डॉक्टर आर एन प्रसाद ने इस मौके पर मुख्य अतिथि थे। इस मौके पर संगीत और नृत्य के अलावा लघु नाटिका की भी प्रस्तुति हुई। लोक नृत्य प्रतियोगिता में रविन्द्र बांग्ला विद्यालय को पहला स्थान प्राप्त हुआ। लघु नाटिका वर्ग में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भासुबस्ती प्रथम रहा। विजेता टीमों को नकद पुरस्कार दिए गए। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में कहा कि किशोरावस्था के बच्चों की ऊर्जा और उत्साह को सांस्कृतिक धारा की ओर मोड़ने से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक गतिविधियों में शामिल होने से बच्चे पढ़ाई की ओर भी पूरी तरह ध्यान दे सकते हैं। राज्य स्तरीय लघु नाटिका और लोक नृत्य प्रतियोगिता 13 सितंबर को शिक्षा सदन में आयोजित होगी। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स अकाउंट्स ऑफ इंडिया की ओर से कल जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय कोटा के सभागार में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी पर कोचिंग कक्षाओं का आयोजन किया गया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर इकबाल अहमद ने प्रतिभागियों को सलाह दी कि वे ICMA, चार्टर्ड अकाउंटेंसी और कंपनी सेक्टर जैसे पाठ्यक्रम में दाखिला लेकर स्वयं को आगे बढ़ाएं। कार्यक्रम में मोहम्मद जैदू ने इस समय कॉस्ट अकाउंटेंट के क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाओं की जानकारी दी। महाविद्यालय में वाणिज्य विभाग के प्रमुख डॉक्टर एन राजवीर ने भी अपने विचार व्यक्त किए। जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय में दूसरी पारी की नियमित कक्षाएं कल से आरंभ होंगी। इन कक्षाओं का समय दोपहर 12:20 से शाम 5:40 तक रहेगा। चेन्नई से आ रहे जहाज एलिमेंट बॉडी के आज शाम तक पोर्टर पहुंचने की संभावना है। जहाज में करीब 260 यात्री सवार हैं और 33 कंटेनर सहित 500 मीट्रिक टन माल लाया जा रहा है। पोर्टर पहुंचकर जहाज हैरी गति पर लगेगा। अपनी अगली यात्रा पर यह जहाज 4 सितंबर को शाम 4 बजे चेन्नई के लिए रवाना होगा। जहाजरानी सेवा के अंतर्गत संचालित